हमारा खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की और मैं हूँ आपके साथ नेहा बालिया। तो आज के इस खास कार्यक्रम में एक और ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिससे आप जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद कामयाबी कैसे उनके कदम चूम रही है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष खन्ना जी हैं हमारे साथ। खन्ना साहब बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। धन्यवाद। खन्ना साहब कहते हैं कि अगर मेहनत करते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलती है और मेहनत करने पर ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपकी मेहनत का दौर आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की जो यहाँ तक आज आप पहुँच पाए। शुरुआत में जहाँ तक सवाल है, हमारे बुजुर्ग जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो एक हिस्से से जहाँ पर शिफ्ट हुए हरियाणा में, और वो आके कैथल में सेटल हो गए। मेरा कैथल में ही जन्म हुआ है, बचपन सारा वहीं बीता है। हम टाट के स्कूल में पढ़ने जाते थे, 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, जिस तख्ती से खेलते थे उसी से ही लड़ लेते थे। उस टाइम में बच्चों में खेलने का ज़्यादा रुझान रहता था, परिवार में रह के परिवार की बातें करने का ज़्यादा रुझान रहता था, तो शाम को बैठ के इकट्ठे ही घर में खेलने के बाद खाना खाते थे। तो खन्ना साहब मान सकते हैं आपकी बातें, जितनी समझ पा रहे हैं हम, कि आप शरारती बच्चे रहे हैं। हाँ जी, खेलने में बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मैं अपने स्कूल में भी स्टेट लेवल तक फुटबॉल, बास्केटबॉल भी खेला हूँ, हॉकी भी खेला हूँ, और फुटबॉल में कभी कभी पार्टिसिपेट करता था। और मेरा जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, मैट्रिक में मेरे सिर्फ 56% नंबर थे, एडमिशन नहीं मिलता था। मेरे पिताजी मास्टर थे, जब उनको ये पता लगा कि ये मास्टर जसवंत राम जी का बेटा है, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया मेडिकल में। उस एडमिशन के बाद भी थोड़ा थोड़ा मैं करता रहा। तो कहना था पिताजी चाहते थे कि आप मेडिकल लें, डॉक्टर बने। वो ये चाहते थे कि मैं अच्छा इंसान बनूं, चाहे मैं मिट्टी ढोने वाला बनूं, पर नंबर बन गया। मतलब उनकी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं रहा? नहीं, उन्होंने प्रेशर कभी नहीं रहा, पर वो ये देखते थे कि मैं आम रूटीन में भी खेलते हुए जाते हुए, मतलब कोई गरीब है तो उसकी हेल्प करने की मेरी बड़ी लालसा रहती थी। जी। इन चीजों को देखते हुए उनका दिल करता था कि मैं ऐसे फील्ड में चला जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब उन्हीं के आदर्श पे आप चल रहे हैं, जो उन्होंने समझाया, उसी को आप लेकर। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते आए। हाँ जी, हाँ जी। तो खन्ना साहब आपने बताया कि फिर मेडिकल में आपने एडमिशन लिया, तो उसके बाद कैसी जो गति थी वो धीमी हुई या और बढ़ती गई? नहीं, मैंने मुड़ के नहीं देखा। 12th में जब मैं दिसंबर के बाद पढ़ने बैठ गए, हाल उस टाइम कोई ऐसी ज़्यादा किताबें भी अपने पास नहीं थी, दोस्तों ने किताबें दी, अपने पास बिठा के पढ़वाया, और मैंने टॉप किया डिस्ट्रिक्ट को उस टाइम, 63.5% से टॉप किया मैंने। मेरिट से मेरी मेडिकल कॉलेज रोहतक में सिलेक्शन हो गई। जब मैं मेडिकल कॉलेज में जा रहा था तो मेरे पिताजी ने बैठ के मेरे को दो लाइनें कही थी, एक तो बेटा किसी गरीब की बददुआ नहीं लेना, और दूसरा बेटा ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें बाप का नाम बताते हुए शर्म आए। तो स्कूल आपने पास किया, उसके बाद कॉलेज का टाइम आया, कॉलेज में जाना था, नई पढ़ाई, नए दोस्त, तो सब चीजें नई होने वाली थी, तो कैसा रहा उस समय सब? कॉलेज में जाके बड़ी सोर्सेज रिजर्व थे, बड़े लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे पास, इसलिए कोई ज्यादा वहाँ नहीं, इतना उड़दंगबाजी की जरूरत नहीं थी, पढ़ाई करते रहते थे, मीडिया को स्टूडेंट की तरह पढ़ता रहा मैं। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में फादर की डेथ हो गई, बड़े ब्रदर थे, पर हमने कुछ नहीं, जो जिसने मदद करी उसी सहारे चलता रहा। पिताजी के जाने के बाद परिस्थितियां बदल गई होंगी। हाँ जी, मैंने फिर मुश्किलों का दौर भी बढ़ गया होगा। और मुश्किलें ही सामने जब आती हैं तो कहते हैं कि मेहनत करने का जज्बा और ज्यादा और बढ़ जाता है। तो क्या उस वक्त एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में आया? बिल्कुल, जो मेरे अंदर सोच थी कि मैं पीजी करूंगा, ये करूंगा, कुछ भी करूंगा, सारा कुछ इरादा बदल के ये सोच लिया पहले जॉब करूंगा और जॉब में से कुछ करके दिखाऊंगा। आपने बताया कि आपने सोचा कि जॉब की जाए, क्योंकि पिताजी नहीं थे तो सब जिम्मेवारियां खुद पर आ गई थी, तो जॉब के साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू करना कितना मुश्किल था उस टाइम? इतना मुश्किल नहीं था, मैंने भिवानी में ज्वाइन किया था, वहाँ पर जो बुजुर्ग आया, चाहे किसी ने टाई पकड़ ली, किसी ने ऊपर उल्टी कर दी, तो जुनून था कि मुझे कुछ करना है, और कोई ना कोई बुजुर्ग सिर पे हाथ फेर गया, उसके बाद मैं पढ़ाई की तरफ चलता गया, मैं रुका नहीं उसके बाद। तो हौसले कह सकते हैं कि बुलंद थे हमेशा से और इरादा पक्का था। बस वही चीज मेरे पास थी और उसी ने ही मुझे आगे मकाम दिखाते गए मेरे को। उसके बाद मैंने डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स किया, ऑर्थोपेडिक्स में थोड़े दिन के लिए रजिस्ट्रारशिप करी मेडिकल कॉलेज में, फिर मैंने कंप्लीट करके एमएस सर्जरी करी, उसके बाद फिर सर्विस की, और मैंने सर्विस भिवानी, रोहतक और गुड़गांव में सिर्फ 3 स्टेशनों पे करी। 20 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली
और हमने फिर ये कल्याणी हॉस्पिटल गुड़गांव में खोला, और उस टाइम भी सोच यही थी कि कोई भी आया हुआ मरीज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हम सर्विस ना दे सके या हमें रेफर करना पड़े। तो खन्ना साहब, जिस तरीके से शुरुआत में आपने कहा था कि पिताजी ने दो चीजें बताई थी, तो उन्हीं आदर्शों पे आप चलते रहे, और आपका लक्ष्य था कि समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना, कभी किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमेशा उसके लिए आगे खड़े रहे। हम आज भी उसी इरादे से चलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई एक्सीडेंट केस आता है, उसकी जेब से कुछ भी निकलता है, हम उसकी पोटली अलग बना देते हैं। दवाइयां भी हम हमेशा अपनी तरफ से लगाते हैं। कई बार रिश्तेदार नहीं भी दे जाते पैसे तो हम बुरा नहीं मानते। लेकिन खन्ना साहब, आपने कहा कि आपने हॉस्पिटल खुलवाया था कि जो मरीज हैं उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, सभी सुविधाएं उन्हें मिल पाए, लेकिन आप खुद एक डॉक्टर है पेशे से, आपने बहुत सारे ऐसे अस्पतालों के बारे में सुना होगा जहाँ पर मरीजों को बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं अस्पताल का भी नाम उसकी वजह से खराब होता है। तो क्या इस तरीके की कभी परेशानी आपके अस्पताल में मरीजों को आई? कोई इतनी ज्यादा हमें नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि आम मुद्दे जो जितने ज्यादा ये शरारत या कुछ शोर मचाते हैं उनको बिल के कम कराने के चक्कर में ज्यादा होते हैं वो। और दूसरा कारण होता है मरीज सीरियस है और वो चाहते हैं ठीक हो जाना चाहिए, वो तो फिर भगवान ही जानता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ज्यादातर जो लोग हैं बिल कम कराने की उनको होती है कि हाँ बिल कम हो जाए, बहुत ज्यादा बिल आने हैं, लेकिन आपके अस्पताल में इन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है कि जो बहुत ज्यादा अच्छे घर से नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए कम पैसे में? हमारे बड़े रीजनेबल रेट्स हैं, इसलिए ये नौबत बहुत कम आती है, और उसके बाद अगर कोई ज्यादा गरीब होता है तो हम उसको जहाँ एडजस्ट हो जाता है कर लेते हैं, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मतलब जिस तरीके से लोगों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे की दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं पैसे की कमी होती है, लेकिन अगर पैसे का अभाव है और आपके अस्पताल में लोग आते हैं तो उन्हें वो सुविधाएं मिल पाती है? काफी हद तक मिल जाती है, जब एक हद से ज्यादा हो जाता है तो फिर हम उनको समझा देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल को तो फंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट दे देती है, प्राइवेट को तो कोई फंडिंग तो करता नहीं, तो इस करके एक बिल्कुल सरकारी तरह चला पाना तो संभव नहीं होता। लेकिन कोशिशें रहती है कि मरीजों को तमाम सुविधाएं मिले। हाँ, कोशिश रहती है कि कोई तंग नहीं पाना चाहिए, जो बहुत ज्यादा ऐसा होता है उसको हम समझा देते हैं कि ये चीजें आगे होनी है, आप किसी बड़े सरकारी में चले जाइए तो उनका काम चल जाता है। चले खन्ना साहब, आपकी कोशिश रहती है और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी कोशिशें बरकरार रहे। आपने बताया कि परिवार में पिताजी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था आपको, और उनके जाने के बाद आपके हौसले और ज्यादा बुलंद हुए, आप और ज्यादा पैशनेट हुए अपने काम को लेकर, आपने जॉब भी की। आपकी शादी की बात करेंगे, जब आपकी जीवन संगिनी आपकी लाइफ में आई, उसके बाद किस तरीके का परिवर्तन आपकी लाइफ में आपने महसूस किया? मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरी लॉटरी वही निकली, और उसके बाद मैंने कभी लॉटरी खरीदी भी नहीं। उसके बाद हम मिलजुल के ही लगे रहे, हर मुश्किल का सामना, कभी भी। मैं जब विदाउट पे पढ़ रहा था तो मिसेज खन्ना सुबह उठ के ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि बच्चों की परवरिश भी पूरी हो सके और मैं भी आगे काम करता जाऊँ, बढ़ता जाऊँ। तो मतलब एक सफल पुरुष के पीछे, एक सफल इंसान के पीछे कहते हैं एक महिला का हाथ होता है, तो आपके जीवन के पीछे, आपकी कामयाबी के पीछे कह सकते हैं कि आपकी वाइफ? मेरे जीवन पीछे तो एटलीस्ट 100% चल चाहिए। तो मतलब हमेशा उनका सपोर्ट आपके पक्ष में रहा, आपको मिलता रहा? आज आज भी ये हालत है, अगर मैं किसी ऑपरेशन करने जाता हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ, तो यहाँ से ये पाठ करना शुरू कर देती हैं कहीं कॉम्प्लिकेशन ना हो रही हो, और फोन करके पूछती हैं, चाहे हम केस करने के बाद चाय पी रहे होते हैं बैठे, उनको लगता है पता नहीं इतना देर क्यों लग गई। तो मतलब आज भी वो डर एक मन में रहता है, और उनकी तरफ से हमेशा कोशिशें रहती है कि आपको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो आपको तो पूरा सपोर्ट उनका मिलता है कि आपकी तरफ से भी उन्हें उतना ही सपोर्ट मिल पाता है खन्ना साहब? नहीं, हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और मेरी तरफ से उनको पूरी सपोर्ट है। मैं ATM की तरह काम करता हूँ, बच्चे सारे इन्होंने खुद पाले हैं, खुद बड़े किए हैं, बच्चों को डॉक्टर इन्होंने खुद बनाया है, इंजीनियर बनाया है, सारे बच्चे अच्छी तरह सेट हैं हर हिसाब से। असलियत तो ये है कि मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि शी इज द बेस्ट जज एंड आई नो शी। मतलब जब शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियां जिस तरीके से कहते हैं कि बढ़ जाती है एक इंसान के ऊपर, क्योंकि एक एक नई रिस्पांसिबिलिटी उसे मिलती है, आपकी रिस्पांसिबिलिटीज, आपकी जिम्मेवारियां कम हो गई क्योंकि आपका आधा भार उन्होंने संभाल लिया? आधा नहीं, इससे भी ज्यादा संभाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इस चीज को मानते हैं, क्योंकि धर्म पत्नी के आने के बाद जीवन बहुत ज्यादा बदल जाता है, लेकिन वो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो जो कामयाबी है उसमें आधा हाथ उनका भी है। आप फिर आधा कह रही हैं,
मैं 70% कहने को तैयार हूँ। ज्यादातर हम कहेंगे कि हाँ जी का हाथ है। हाँ जी, हाँ जी। खन्ना साहब, आपने बताया कि आप मरीजों की सेवा करने में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। मरीजों के साथ साथ क्या समाज सेवा में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, रुझान है आपका? समाज सेवा में हम काफी समय से लगे रहते हैं। एक मंच बनाया हुआ था, हम हर सेकंड संडे को फ्री कैंप किया करते थे, मेडिसिन भी हम खुद देते थे उनको, और उसके बाद और किसी को कहीं किसी फील्ड में भी जरूरत पड़ती है तो हम अपने ग्रुप से उनकी हेल्प करते रहते हैं। और आज गुड़गांव के सभी पंजाबियों ने मेरे को अपनी पंजाबी बिरादरी महासभा का प्रधान बना रखा है, और मैं उसको अपनी जिम्मेवारी समझते हुए समाज को कुरीतियाँ दूर करने के लिए, जवानों को मार्गदर्शन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो एक पहल ये भी आपकी तरफ से की गई है, समाज सेवा के साथ साथ आप जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मरीजों के लिए और विशेष रूप से आप क्या कुछ अलग करते हैं कि ये सभी उनके लिए हो, इस तरीके की सुविधाएं भी उन्हें मिल पाए? अगर मैं मेडिकल साइड की बात नहीं करता हूँ और जनरल समाज की बात करता हूँ तो वहाँ सोच दूसरी है मेरी। मेरी सबसे पहली सोच ये है कि जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उन बुजुर्गों को हमारा कोई ना कोई बंदा हर हफ्ते जाके उनकी संभाल करके आए। आम पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनकी जाके हाल चाल पूछ लो, उनका सिर्फ हाल चाल ही पूछ लो, वो इसी में खुश हो जाएंगे। तकलीफ खो तो कभी तो उनको अपना नंबर दे के आ जाओ। तो जो बुजुर्ग हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, परेशानी छोड़िए अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए आप सभी को कहते हैं कि उनकी उनके पास जाएं, उनका अकेलापन दूर हो। लेकिन ये तो रही बुजुर्गों की बात, क्या युवाओं को भी समझाने की कोशिश की जाती है? युवाओं के लिए हम काफी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि कृपया करके पढ़ाई करने के टाइम मोबाइल अपने पास मत रखें। आप कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप कुछ IAS बनना है, IPS बनना है, रेगुलर पढ़ाई करें, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल आपके पास नहीं होगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, सबसे पहले मुद्दा ये है। इसके बाद हम उन पेरेंट्स को भी कहते हैं कि बच्चों को शादी टाइम पे करनी चाहिए। आजकल क्या होड़ लग गई है कि बच्चा एक ही पैदा करना है, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ बेइंसाफी है, वो बड़ा होके किससे अपना दुख सुख शेयर करेगा। इसलिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम दो बच्चे जरूर होने चाहिए ताकि आगे समाज में दुख सुख बांटने का साधन हो, एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है। बहुत अच्छी आपने एक बात कही अभी कि आप मोबाइल फोन को दूर रखने की सलाह देते हैं ताकि बच्चे अपने एम पे फोकस कर पाए। तो आपके समय में इतना ज्यादा इस्तेमाल उस समय मोबाइल फोन का नहीं हुआ करता था, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं? बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था उस टाइम, या लड़ना है या पढ़ना है, और कोई काम होता ही नहीं था। मतलब या तो फिर आपने बताया कि खेलों में हाँ वही लड़ना मतलब खेलना है। आपको लगता है खन्ना साहब कि आज के समय में ये चीजें अब छूटती जा रही हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि शाम को खेलना है, या जिस तरीके से पहले होता था कि ग्रुप बनाकर बच्चे ग्राउंड में मैदान में चले जाते थे खेलने, पर आजकल वो चीजें नहीं रही, हर कोई अपने में बिजी है, अपने में व्यस्त है, मोबाइल फोन में बिजी है, तो इन तरीके की एक्टिविटीज में वो ज्यादा बिजी रहते हैं। आजकल के बच्चों को यही मार्गदर्शन करना बड़ा जरूरी हो गया है। सबसे पहले क्या है, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो बच्चे आपस में खेलते करते रहते थे, अब बिल्कुल इकाइयाँ हो गई हैं, यूनिट छोटे छोटे हो गए हैं, इसलिए पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए, और कोई साधन नहीं बचता। पेरेंट्स बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों को मार्गदर्शन देंगे तो दिक्कत कम आएगी। जहाँ पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं वो बच्चे ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं। परिवार वालों की भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि बच्चों पर अगर माँ बाप ध्यान ना दे तो वो भी एक बिगड़ने का कारण मान सकते हैं। खन्ना साहब, आपने बताया कि आप समाज सेवा में भी काफी रुचि रखते हैं और एक जिम्मेवारी के तौर पर, जिम्मेवारी के रूप में उसे निभा भी रहे हैं, तो जिस तरीके से आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्या राजनीति में भी कभी आपकी इच्छा रही? नहीं, मेरा राजनीति में कभी इंटरेस्ट ना रहा है ना रहेगा, उसमें बड़ा क्लियर हूँ मैं। आज भी मेरी सोच यही है कि मेरे समाज से कुरीतियां कैसे हटे। तो उसके लिए क्या कुछ खास आपकी तरफ से, या आपका जो ग्रुप है, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ खास उनकी तरफ से किया जा रहा है? हम खास तौर के परिवारों में आजकल ये कह रहे हैं कि कृपया करके शादी के कार्ड वगैरह व्हाट्सएप पे बांटिए, शेयर करिए और फोन कर दीजिए। सारा दिन कार्ड बांटने जाते हैं, शाम तक सिर्फ 5 कार्ड बटे होते हैं और हर इंसान इससे परेशान है। कृपया करके शादी के कार्ड को इतना महंगा महंगा मत करिए, शादी के कार्ड के साथ डब्बे वगैरह मत बांटिए, खाने का शादी का मेनू छोटा कर दीजिए,
खाना सिर्फ 250 ग्राम होता है। आपको नहीं लगता ये सिर्फ दिखावे मात्र से रह गया कि अपने आप को दूसरे से ज्यादा अच्छा दिखा? बिल्कुल ठीक कहा है आपने, और इस चक्कर में आम आदमी पिस रहा है, दिक्कत सारी वहाँ हो रही है। अगर एक अमीर आदमी, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मेनू कार्ड में से अगर 2 डिश कम कर देंगे तो एक गरीब की शादी हो जाएगी। हमारे मैसेज देते हैं हम अपने बच्चों की, 5 स्टार में जब शादी करते हो तो एक गरीब के लिए हमें दो तो हम उसकी शादी करवा देंगे। बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरीके से हम फालतू अपनी रोजाना की लाइफ में खर्चा करते हैं, अगर हम उसे थोड़ा कम कर दें तो किसी गरीब का भला हो सकता है, किसी गरीब का पेट भर सकता है। जिस तरीके से खाना वेस्ट किया जाता है, खन्ना साहब ने भी अपील की है कि उन चीज़ों का आप खास तौर पर ख्याल रखें ताकि जिन लोगों को खाना नसीब नहीं हो पाता, शायद आपकी बजट की वजह से, आपका खाना वेस्ट ना करने की वजह से उनका पेट भर पाए। चलिए यहाँ के छोटे से ब्रेक लिया, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे खन्ना साहब की कामयाबी का राज। स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की। सुभाष खन्ना जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं पेशे से ये। सुभाष जी, आपने ब्रेक से पहले हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि मोबाइल फोन कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो मोबाइल फोन, आपको नहीं लगता बच्चे जो सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं घर से ही सीखते हैं और घर का ही असर उन पर पड़ता है? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, 1.5-2 साल का बच्चा रोता है और माँ उसको मोबाइल गेम दे के लगा दे देती है, बाद में उससे मोबाइल कैसे वापस लिया जाएगा? मैंने पहले भी आपको बताया कि माँ बाप को बच्चों को टाइम देना चाहिए, ना कि मोबाइल देना चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर मीटिंग में कि रात को सोने के टाइम माँ बाप और बच्चे एक ही कमरे में होते हुए मोबाइल के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, उनको आखिरी 15-20 मिनट आपस में व्यापार की बात करो, परिवार की बात करो। रिश्तेदार को कब बताते हैं? हम शादियों में बताते हैं, ये आपका ये रिश्तेदार है। भाई पहले तो हमें रात को जब सोते थे कहानियां शूरवीरों की सुनाई जाती थी, वो तो कथाएं पुरानी हो गई हैं। माँ बाप को ही नहीं पता कि शूरवीरों की कथाएं हमें बच्चों को सुनानी है। करना साहब, आपको नहीं लगता ज्यादा मॉडर्न बनने की रफ्तार जो तेज होती जा रही है, हर कोई मॉडर्न बनना चाह रहा है, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भुलाया जा रहा है, अपने आदर्शों को भुलाया जा रहा है? बिल्कुल, इन चीजों का संस्कृति के ऊपर और हमारे अपने रहन सहन के ऊपर बड़ा फर्क पड़ रहा है। अब अपने लिए हम अब कहाँ एनालाइज करते हैं कि सारा दिन हमने क्या किया, स्वस्थ ठीक रहे ना रहे, कोई ध्यान नहीं कर रहा इस बात के ऊपर। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गैजेट्स को कम से कम यूज करो, यूजफुल है पर इनको कम से कम यूज करो जितना आपको जरूरी है। एक बेटा होने के नाते खन्ना साहब और एक पति होने के नाते आपने अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया है। अब बात करेंगे एक पिता होने के नाते किस तरीके से आप अपनी जिम्मेवारियों को देखते हैं। पिता होने के नाते हमने बच्चों की पूरी देखभाल करी, बेटियों के साथ तो मिसेस खन्ना साए की तरह रही हमेशा, हमने कभी उनको ट्यूशन के लिए अकेले नहीं छोड़ा। सर्दी में सुबह 5 बजे बच्चे जाते थे जब ट्यूशन के लिए, तो मैं बाहर गाड़ी में रजाई लेके बैठा रहता था। ऐसे ही जब भी उनको जरूरत पड़ी है साथ बैठ के मैं कोर्स तक रिवाइज कराता था। बड़ी बड़ी बिटिया मेरी कोर्स सर्जन है, मेरे सनिला इज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ऐसे ही दूसरी बिटिया शी इज इंजीनियर, शी इज इन कैलिफोर्निया, सनिला भी कैलिफोर्निया में US में है, और बेटा छोटा है ही इज MS ऑर्थोपेडिक्स इंडियन स्पाइनल में, उसने यहीं पर एज SR काम किया है, डूइंग ऑल सर्जरीज देयर। और बिटिया जो हमारी है डॉक्टरला मेरी, शी इज डूइंग MS गायनी फ्रॉम TMC मैंगलोर। बच्चों को सब खुद को बड़ी संतुष्टि है कि बच्चों को हमने संस्कार के साथ पाला। आज भी कोई हमारे घर में आता है तो बेटा चाहे कंसल्टेंट बन गया है, बुजुर्ग का पैर छू के नमस्ते करता है, उससे बड़ा सुकून मिलता है। तो ये आपके पिताजी के ही आदर्शों का कमाल है, क्योंकि उनके आदर्शों पर आप चलते आए हैं और आपके आदर्शों पर आगे आपके बच्चे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जुड़ी हुई हैं परिवार। मैं इसलिए ही कहता हूँ कि बच्चों को संस्कार दो, कम चीजें दे दोगे फर्क नहीं पड़ता, संस्कार देना बहुत जरूरी है, बच्चों को अच्छे विचार देना बहुत जरूरी है। चलिए ये तो घर की बात हुई खन्ना साहब, कि बच्चों को आप इस तरीके से आपने पढ़ाया, बड़ा किया, आदर्श उन्हें दिए, संस्कार अपने उन्हें दिए। आपने कहा कि आप समाज सेवा भी करते हैं, तो बाहर जो युवा है, बाहर का जो यूथ है, उन्हें आप अलर्ट करने के लिए, सतर्क करने के लिए या फिर जागरूक करने के लिए क्या कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है? हम उन बच्चों को ये कहते हैं कि खास तौर पे अपना कैरियर बनाने का एम जरूर रखो, पर एम एक लेके बिल्कुल बैठ मत जाओ। मान लो माँ बाप को सपोर्ट की जरूरत है, एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि आज के युवा को रिक्वेस्ट है, चाहे वो बेटा है चाहे बहू है
या बेटियां हैं, माँ बाप से कभी वो डिमांड मत करना जो माँ बाप के दिमाग के ऊपर प्रेशर बन जाए। उनकी हैसियत से ज़्यादा डिमांड नहीं करना। आजकल के जो पेरेंट्स 40-50s में हैं वो इस प्रेशर में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि बच्चों की डिमांड माँ बाप हैं, पूरी करे बिना रह नहीं सकते। इसलिए बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ बाप को कहने से पहले असेस कर लो कि उनकी हैसियत में है भी है कि नहीं। मरीजों की सेवा में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि किस तरीके की परेशानी उन्हें ना हो, समाज सेवा में आप बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, कुरीतियों को समाज की दूर किया जाए। लेकिन अब हम दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि कामयाबी का राज क्या है आखिर आपकी। नियत और नीति, नियत हमेशा ठीक रखिए, नीति अपनी हमेशा ठीक रखिए, देने वाला भगवान है। बहुत साहब, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बुजुर्गों की और गरीब की सेवा जरूर करें, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं ईमानदारी नेक नीति से करें, जो आप लिखवा के लाए किस्मत में वो आपको जरूर मिलेगा। ये आपने चुनना है कि अच्छे रास्ते से चुनना है या गलत रास्ते से। तो बहुत सही कहा खन्ना साहब ने कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको जरूर मिलेगा, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि खन्ना साहब की जिंदगी के बारे में जानकर आप सभी